डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के दफ्तर में होने वाले वैरायटी शो के मेहमान खसूसी वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी थे। तकरीब का आगाज खसूसी बच्चों की तरफ से कौमी तराने और हदिये नात के साथ किया गया। खसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो शोज पर परफॉर्मेंस भी दी। इनकी अदाकारी ऐसी बेसाख्ता और माहिराना थी कि शायकीन इसको सराहे बगैर रह न सके। तकरीब के शुरका का कहना था कि खसूसी बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी शोज़ होने चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। तरह की तकरीबात मुनक्किद होनी चाहिए जिनमें खसूसी बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि उनके हवास मुकम्मल ना सही लेकिन अपने महदूद हवास के बावजूद वो अपनी कामयाबियों के झंडे मैदान अमल में गाड़ सकते हैं। मैं ये बच्चे काम कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने आज हमें परफॉर्म करके दिखाया। मैं ये समझती हूँ कि इनके लिए हमें ख़ास तवज्जो पूरे मुल्क के लोगों को हमदर्दियाँ मोहब्बतें इनके लिए हमें निछावर करनी चाहिए। वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वैरायटी शो में खसूसी तलबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर इनको अंदाज़ा हुआ है कि ये बच्चे सलाहियतों में किसी से भी कम नहीं। तो कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए मुल्क में। आज मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखना पड़ा इनके साथ बैठ के कि इनमें कितना टैलेंट है। ये शायद देख ना सकें, बोल ना सकें, काम ना कर सकें वो जो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी सूरत में भी इनका टैलेंट हमसे कम नहीं है। तकरीब के अख्तिताम पर टैबलो शोज़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उमर असलम, सिटी 42।